हेलो है गाइस, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग के साथ। स्वागत है मेरे को तुम लोग। तो गाइस आज क्या हुआ, आ गया था तो स्कूटी ने इसका पैनल बोलते वो है ना ख़राब हो गया, तो वो जाके सही करना है, सही कर रहे हैं बैठ के। उसके बाद द्वारका सेक्टर 10 जाएंगे, हमें निकाल लो यार। उसके बाद द्वारका सेक्टर 10 जाएंगे, राउंड देखने मेला देखने तो लगा दे साले, फिर चल ही रहे हैं। नहीं गाली काट दी, गाली कहाँ दी मैंने साले, बोला गाली होगी, इससे गंदी गाली तू देता अब लोगों में। दोबारा चालू करा क्या उसे। वेलकम बैक, स्वागत अमित गौतम ब्लॉग्स, देख रहे हो तुम भाई न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइस आ गए हम इधर, है ना, 17 आ रखे थे थोड़ा भाई की स्कूटी में ना। तो स्कूटी है ना, ये हिस्सा इसका हिस्सा ये ख़राब हो रहा था गाइस, तो ये हिस्सा भी सही करवा के मैंने खुद सही करा है। तो अभी क्लिप देख लेना, सही मैंने करा है। तो उसके बाद है ना पिंकू आया था भाई, कहाँ चलना आज तो सही ये बता रहा था। पूरी कल ये गया, कल गया था, परसों गया था। तो कल है ना, परसों पिंकू और मोहित गए थे, तो द्वारका 10 तो गए थे, भूल नहीं पाए, रास्ता नहीं पता थी कहाँ से कहाँ जाना था, कहाँ भूल गए थे। तो उधर पुलिस वाले से भी खड़े रहते ना, तो हेलमेट वगैरह मोहित की गलती के चक्कर में जा नहीं पाए, इसके चक्कर में घूम नहीं पाए। तो मैंने भी प्लान बनाया, हम भी चले जाते, मैं भी देखे आता हूँ। तो पुलिस वाले भी घूमते रहते ना, हेलमेट भी सर गैस लगानी चाहिए। तो हम थोड़ा, हमें पता भी रास्ता क्या, सोच के थोड़ा रास्ता भी है, तो उसी रास्ते से जाएंगे थोड़ा भी। गाइस तुम्हारा भाई आ गया सेक्टर 10। तो गाइस इतना बड़ा रावण लगा क्या बताऊँ यार, द्वारका सेक्टर 10 में लगा है तो यार फिर भी बड़ा लग रहा है गाइस। तो गाइस इतना बड़ा लगा फिर भी, द्वारका मेट्रो स्टेशन 10 पे लगा है। तो मेट्रो स्टेशन आओगे, द्वारका सेक्टर 10 आओगे तो दिख जाएगा बड़ा रावण। तो गाइस चलते हैं और रावण देखते हैं। तो गाइस आपने देख लिया रावण कितना बड़ा लगा है, चलो चलते हैं। इधर आए थे ना, उधर एंट्री बंद होगी, तो गार्ड साहब बता रहे थे से एंट्री बंद होगी, शाम को 6 बजे एंट्री खुलेगी। तो अभी लोग जा रहे हैं फिर यार मना कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। देखे यार हम लेट हो गए यार बहुत दिन, आज 7-6 तारीख होगी, तो उसके चक्कर में कहीं जाने नहीं दे रहे हैं यार ना। आगे लोग गार्ड गए, 2 नंबर गेट पर भी आए थे, इन्हें भी मना कर दिया यार। तो अभी हो नहीं सकता एंट्री, शाम को आना पड़ेगा, क्या करें भाई, शाम को आना पड़ेगा। तो गाइस धूप भी बहुत तेज हो रही है, रावण दूर लगा है, क्या करो, 5 दिन हो गए, आज 12 तारीख का तस्वीर है ना, तो इसके चक्कर में कोई जाने नहीं दे रहा। कह रहा बाहर से देख लो, बाहर से ही देख लेते हैं रावण क्या करें। तो गाइस बाहर से रावण देख लेते हैं हम लोग, फिर आपको भी दिखा देता हूँ कितना बड़ा होना। तो भाई तो चौपट हो गया हमारे साथ सीट गाइस, क्या करें अब, शाम को आना पड़ेगा, धूप भी इतनी तेज़ हो रही है यार, बहुत तेज धूप हो रही है। हाँ अंदर एंट्री नहीं हुई यार भैया, किस टाइम होगी? तो भैया भी कह रहे हैं गाइस तो 5-4 बजे एंट्री होगी। तो अभी फिलहाल भैया रावण के लिए नहीं जाने देते कहीं, रावण देखने के लिए अभी जाने नहीं दे रहे। हाँ अभी ये, अरे मेरे इसमें मैंने जब वो बने हैं उसमें मेरे भी भैया यार फोन करना अच्छा नहीं लगता यार, ऐसे फ़ोन करना पता है वो भी है ना, इसमें शामिल है इसमें भी, वो भी मेरे जान पहचान है, वो भैया हैं, तो उनको फ़ोन करना अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। तो शाम को आऊँ उनके साथ आऊँगा, फिर मैं धूप हो रही है, ठीक है चलें भाई क्या करें, चलो भाई चलो चलता है भाई घर, अब शाम को आएंगे, गर्मी लग रही है, शाम को आएंगे भाई। अब जाते हैं घर, बहुत गर्मी हो रही है, चलते मिलते हैं घर आपको। तो
पता चला इधर भंडारा हो तो भंडारा अभी चालू नहीं हुआ भंडारा में, सोचे भंडारा खाने चाहिए तो गाइस भंडारा खाने चाहिए। सॉरी होता गाइस तो भंडारा कोई प्रसाद होता है, एक चीज़ का प्रसाद तो कोई वो करने चाहिए, प्रसाद घर खा लियो यार तू, घर चलने लेट हो रहा है, वही शुरू हो गया। चल तो गाइस चलते हैं भंडारा खाते हैं, भंडारा खा के फिर चलते हैं। इस तुम्हारे भाई आ गया भंडारे लेकर, भंडार में है हलवा, हलवा सब्जी पूड़ी तो बढ़िया, बहुत बढ़िया खाना, बहुत बढ़िया खाना बनाया है। ऐसी चीज़ें करवानी चाहिए, थोड़ा हम भी करवाएंगे कुछ दिन बाद, हम भी भंडारा करवाएंगे अपना द्वारका करवाएंगे, द्वारका कोचिंग करेंगे कुछ दिन बाद, देखते हैं कब वो दिन आता है वो भी करवाएंगे। फिर चलते हैं खाना खाते, फिर मिलते हैं घर। इस घर आने घर आ गए, आते घर जाके काम मिल गया राशन दिखाने का, तो राशन वासन लेके फिर पिंकू भाई जाएगा घर पर, चलेंगे अपने भी घर, चलते हैं राशन लेने।